गाजीपुर जनपद में 2 और नए कोरोना मरीज मिलने की पुष्टि जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने आज कर दी। उन्होंने बताया कि मरकज से गाजीपुर आए 11 जमातियों में से 10 की जांच में 2 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद कुल 3 मरीज हो गए हैं, बाकी 1 जमाती की जांच पेंडिंग है। उन्होंने बताया कि मस्जिद में पाए गए सभी मरीजों को अस्पताल के कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी मस्जिद और आसपास की पूरी एरिया को सैनिटाइज करके 1 किलोमीटर की एरिया को 14 अप्रैल तक के लिए सील कर दिया गया है और वहाँ रह रहे सभी लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि फिलहाल जनपद में इस वक्त बाहर से आए हुए लगभग 900 लोग विभिन्न जगहों पर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों पर रखे गए हैं। बाकी लगभग 5000 लोग बाहर से आए थे, उन सभी को चिन्हित किया गया है। उनमें से जो भी जरा सा भी संदिग्ध थे, उन लोगों को उनके घरों में क्वारंटाइन किया गया है। 11 लोग हमारे जनपद में आए थे मरकज से लौट के, इनमें सभी का परीक्षण करा लिया गया है। इसमें 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 1 की रिपोर्ट अभी अवेटेड है, बाकी सारे लोग जो है निगेटिव पाए गए हैं। इनसे जुड़े हुए सभी लोगों की टेस्टिंग के लिए हमने उनका स्लैब लेके भेज दिया है और आज देर शाम तक उनके भी रिपोर्ट आ जाएगी। जितना भी एरिया था जहाँ ये लोग रह रहे थे, करीब 1 किलोमीटर रेडियस में, उसको हमने सील करा दिया है। जो लोग यहाँ के 8-9 लोग संपर्क में आए थे, उन सबको हमने क्वारंटाइन किया है और उन सबके परिवार को भी क्वारंटाइन किया है और इनके सबके टेस्ट के लिए हमने सैंपल भिजवा दिए हैं। जिले के अन्य क्षेत्रों में भी सर इस तरह के बताए जा रहे हैं, वहाँ भी क्वारंटाइन किए गए, जैसे कासमाबाद में आए। देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आया है जनपद में, उन सारे लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। आपको मालूम है कि हमने 9 शेल्टर होम्स बनाए हैं, जिसमें 1039 लोग यहाँ पे क्वारंटाइन हैं। इसके अलावा लगभग 5000 लोग जो विभिन्न तिथियों में आए थे, उसमें से करीब 2300 लोग अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा करके वो अपने घर चले गए हैं, रेस्ट वो भी अपने घरों में क्वारंटाइन ही हैं। तो कुल मिलाकर आज के डेट में अगर देखा जाए तो लगभग 4000 से ज़्यादा लोग हमारे जनपद में क्वारंटाइन हैं। लेकिन वहाँ से कोई समस्या नहीं है, जो हमारे पास समस्या आई है वो यही, जो मरकज से लोग आए हैं इनके ही अंदर ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इनसे संपर्क में आए सभी लोगों का टेस्ट करने के लिए हमने भेजा है, उसमें से भी अधिकांश के टेस्ट आ गए हैं जो नेगेटिव हैं। तो ये स्थिति अभी तक की है। सर, सुरक्षा के दृष्टि से सैनिटाइज और इस तरह की क्या व्यवस्था? सुरक्षा के दृष्टिकोण से जहाँ पे ये 11 लोग गए थे जिन मस्जिदों में, उसको हमने ऑलरेडी सैनिटाइज किया है। लगातार हम लोग वहाँ पे छिड़काव करा रहे हैं और उस पे पूरी एरिया को हमने कॉर्डन किया हुआ है। तो स्थिति ये है कि अब ये बढ़ नहीं सकता है, इसको हमने पूरा का पूरा सुरक्षित किया हुआ है। बस लोगों से मेरी अपील यही है कि लोग बाहर ना निकलें, 14 दिन तक अपने घर में रहें, और जिससे जो महामारी आई है इससे हम लोग आसानी से पूरी मजबूती से लड़ पाएँ। ये 14 तारीख तक सील रखेंगे हम। इसमें प्रत्येक व्यक्ति और उसके पूरे परिवार को हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन रखे हैं और जब तक ये पूरी तरह से हमारे जनपद समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम इन पर निगरानी